Yes, students. Now we are going to start with our lecture 7B, where we started solving some बहुत छोटा सा theory था relative velocity का, relative motion का. Let's see अभी इसके sum कैसे solve करते हैं. Anup is moving due east with a velocity of 1 meter per second. पहला तो ये north, south, east, west. ठीक है. तो अनूप जा रहा है ईस्ट में विद अ वेलोसिटी 1 meter per second. अनूप की वेलोसिटी वी ए लिखता हूं 1 meter per second. अंध्यानी इज मूविंग ड्यू वेस्ट विद अ वेलोसिटी 2 meter per second. तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ध्यानी क्या होना चाहिए? -2 meter per second. अभी आप मुझे लग रहा है बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि वाई माइनस, क्योंकि ईस्ट वाला प्लस और वेस्ट वाला माइनस, नॉर्थ वाला प्लस साउथ वाला माइनस. दिस आर आवर यूजुअल नोटेशंस. ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, बट ये यूज करोगे, जितना फिक्स यूज करोगे उतना अच्छा है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनूप विद रिस्पेक्ट टू ध्यानी? फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ अनूप माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी, बराबर है. तो वेलोसिटी ऑफ अनूप इज 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी इज -2. तो आंसर आएगा 3 meter per second. 3 पॉजिटिव में आया, मतलब इस तरफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ अनूप विद रिस्पेक्ट टू ध्यानी, मतलब ध्यानी को लगेगा कि अनूप ईस्ट की तरफ जा रहा है. पॉजिटिव है ना, तो ध्यानी देखेगी अनूप को, तो वो देख रहा है कि भाई कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है. और उसकी स्पीड कितनी है? 3 meter per second. इट इज टूवर्ड्स ईस्ट. क्लियर? चलो सेम सम एग्जांपल 2 है, ये आप खुद सॉल्व करो, आना ही चाहिए आंसर. सीता है मूविंग विद वेलोसिटी v1, गीता इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, ये वेस्ट जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, सेम सम है, कुछ नहीं है उसमें, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है, मैं ये थर्ड सम सॉल्व करता हूं. ए प्लैंक इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट विद अ वेलोसिटी v. प्लैंक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी. मैं जी बार बार नहीं लिखता, मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी किसी बुक में बार बार दिया रहता है, बट आई विल राइट वीपी, दैट्स इट. तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक मैंने लिखा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है. एंड अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू विद वेलोसिटी यू. ओके, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो प्लैंक ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ओके, कितनी दी हुई है? यू. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर, एनी हाउ यू कैन राइट. तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक दिया रहा है यू, वी सॉरी, इस तरफ है, डायग्राम में दिख रहा है वी इस तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस यू लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ है, राइट यार, माइनस यू. मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. चलो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक? इट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. इसको यहां लेके गया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस यू प्लस वी. तो इसका आंसर क्या आएगा? वी माइनस यू. और ये जा कहां रही है? तो इस तरफ जा रही है, जो प्लैंक का डायरेक्शन है उस तरफ जाएगी. ठीक है, तो अगेन इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन. ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्त सम है. इधर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे कैसे करना है इसको. तो बहुत सिंपल सम है ये भी, अच्छे सुनना क्या है. एन एलिवेटर इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग इज मूविंग अपवर्ड विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square. तो एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक बंदा है, ठीक है, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है 2 meter per second square के एक्सिलरेशन से. एलिवेटर का एक्सिलरेशन दिया हुआ है. एट द सेम इंस्टेंट इफ अ स्पीड एट सम इंस्टेंट सॉरी एट सम इंस्टेंट इफ द स्पीड ऑफ द एलिवेटर इज 10 meter per second. जब एलिवेटर की स्पीड 10 meter per second हुई, तो मैन ने ड्रॉप किया एक कॉइन, एक कॉइन ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ हाइट 1.5 meter. 1.5 meter हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया. फाइंड द टाइम टेकन बाई द कॉइन टू रीच द ग्राउंड. कितना टाइम लगता है उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, मुझे फाइंड करना है.
ठीक है, देखो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एलिवेटर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, जब एलिवेटर की स्पीड कभी 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीडेंट हो रहा है, तो जब 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, तभी इस बंदे ने कॉइन को ड्रॉप किया. ओके, कौन से हाइट से ड्रॉप किया? 1.5 मीटर हाइट से. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पॉइंट बाय द कॉइन टू रीच द फ्लोर. तो फ्लोर पे पहुंचने को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ओके चलो, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनाना है कॉइन को, तो ये 1.5 मीटर बनाना है. चलो ये तो लिख दिया मैंने कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना बनाना है, 1.5 मीटर. एट सम इंस्टेंट कॉइन की, मैन की, एलिवेटर की, सबकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि सब उस एलिवेटर के अंदर है. तो जो एलिवेटर की स्पीड होगी वही मैन की स्पीड होगी, वही कॉइन की स्पीड होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ये पहला चीज आप याद रखो. किसने पूछा भाई कॉइन की स्पीड कितनी है, मैन की स्पीड कितनी है, एलिवेटर की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड. देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चल रहा है. ओके, कॉइन को ड्रॉप किया, कॉइन इज ड्रॉप्ड, तो तभी उसका एक्सेलरेशन हम लेंगे जी, जो कि नीचे की तरफ है, है ना, एक्सेलरेशन उसका जी देंगे, दैट इज नीचे की तरफ, और उसको डिस्प्लेसमेंट कितना है, -1.5 मीटर करना है, जो कि नीचे, मतलब कॉइन को नीचे की तरफ जाना है 1.5 मीटर, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, वो भी नेगेटिव रहेगा, दैट इज -10 लिख देंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो कॉइन की स्पीड कितनी है, 10. कॉइन का एक्सेलरेशन कितना है, ड्रॉप किया, ओके, तो -10. कॉइन को कितना डिस्प्लेसमेंट बनाना है, 1.5. पर ये जो कॉइन है ये एलिवेटर में गिर रहा है, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट में गिर रहा है, मतलब एक मूविंग ऑर्बिट है इसमें. तो अभी मैं फाइंड करूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. एलिवेटर के हिसाब से कितनी है, ग्राउंड के हिसाब से तो पता चल गया कि ग्राउंड के हिसाब से सबकी स्पीड 10 है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर. एलिवेटर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कॉइन भी ऊपर जा रहा है, सबकी सब ऊपर है, सब ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, तो कॉइन की वेलोसिटी भी 10 है, एलिवेटर की भी 10 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गए. तो रिले एलिवेटर के हिसाब से कॉइन की वेलोसिटी कितनी है, 0. एलिवेटर के हिसाब से कॉइन की वेलोसिटी कितनी है, 0. चलो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर. कॉइन का एक्सेलरेशन कितना, -10, क्योंकि वो गिर रहा है, फ्री फॉल है, -10 है, और एलिवेटर तो ऊपर जा रहा है, तो -2 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव, तो ये आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कॉइन की वेलोसिटी देखो कितनी है, कॉइन का एक्सेलरेशन देखो कितना है विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि उसको डिस्टेंस तो एलिवेटर के अंदर बनाना है. तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना है एलिवेटर के अंदर, 1.5. अच्छा नीचे की तरफ करना है तो मैं माइनस लिखूंगा, यू तो 0 है एलिवेटर के हिसाब से, तो कॉइन की स्पीड 0 है, -12 × t² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 × 1 = 2, 6, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5/6. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5/6 इज 1/4, तो टी इज हाफ, तो 0.5 सेकेंड लगेंगे बच्चों उसको गिरने के लिए. ऐसे हमने सम को सॉल्व किया, बहुत मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करो फिर आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है बच्चों. नाउ द नेक्स्ट सम, ए कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट. कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार ए है, ओके, और कार बी का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ. तो यहां पे है नॉर्थ की तरफ बी का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, अभी ये याद करो, एक्सेलरेशन ऑफ बी एडिंग विद माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब
एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर है तो ये माइनस ए हो गया, याद करो मैंने पहले भी सिखा है एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है तो ये एक्सेलरेशन ऑफ माइनस ए हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इफ यू वॉन्ट एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का एक्सेलरेशन आपको एड करना है ए के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट करके, तो बी को आप ऐड करोगे ए के साथ, नहीं बी को ए के साथ ऐड नहीं करना है, बी को माइनस ए के साथ ऐड करना है। तो अगर ये ए है, ए का एक्सेलरेशन है, तो ये ए का अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये माइनस ए एक्सेलरेशन हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि कहीं यहां पे रहेगा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। तो अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के कहीं बीच में है। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू, तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि नहीं डायरेक्टली, तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 16 प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 20, तो ये आएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन मुझे पता है नॉर्थ वेस्ट है, पर चलो मैं अल्फा से फाइंड करके देखता हूं, अगर मैं इसको अल्फा लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या है 4, एक्स कंपोनेंट क्या है 2, 2 वन जा 2 टू जा, इसको आप फाइंड कर दोगे टैन इनवर्स ऑफ 2 चाहिए तो अभी इसको ऐसे ही रख देंगे, लॉग टेबल से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो टैन इनवर्स ऑफ 2। तो डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन है टैन इनवर्स ऑफ 2 फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो अल्फा इसको लिया ना मैंने, तो फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसे पहले भी सम किया हुआ है, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1 में ऐसे ही सम किए थे। फिर से बच्चा मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ईस्ट की तरफ कार ए जा रही है, उसका एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ कार बी जा रही है, उसका एक्सेलरेशन यहां पे है, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी आप ऐड करोगे माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए के साथ, ठीक है, तो ये माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इन दोनों को नहीं, इन दोनों को ऐड करना है, तो आपको रिजल्टन मिलेगा यहीं पे कहीं, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। ऐसे सब हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, तो ये काफी ईजी थे क्योंकि ये मैंने पहला लेक्चर डाला रिलेटिव मोशन का, दिस इज 2B, पहले लेक्चर में थ्योरी बताया, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिया लेक्चर्स का, सम्स का, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लेवल थोड़ी बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वाले सब हम इसको देखेंगे, तो ये थोड़े इजी वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।